सर ऋशान के वालद साहब वैसे हॉस्पिटल चेक करवाने गया है, वो आज नहीं आएगा, वो क्लास नहीं ले सकेगा। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह ताला सेहत दे दी। खैरियत है ना, मतलब रूटीन चेकअप है। ये रूटीन चेकअप पूरी। ओके जी। हम डाटा एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो डाटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है, बट कोर पर्पस उन सब का यही है कि जो हमारे पास गिवन डाटा या इंफॉर्मेशन फॉर दैट मैटर आई भी है, उसका हम एनालिसिस कैसे करें। स्वॉट एनालिसिस के बारे में आप लोग फेमिलियर होंगे, रूट कॉज एनालिसिस भी लोग करते रहते हैं। अच्छा, इसी तरह वेरियंस एनालिसिस, जो अभी हम थोड़ी देर बात कर पहले कर रहे थे कि यार वो वेरियंस कितनी आई है, क्या ये बहुत ज्यादा वेरियंस है, क्या ये वेरियंस हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं जितनी वेरियंस को हम कहते हैं यार एक्सेप्टेबल है। जरा आप 100% एक्यूरेसी के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट टेल कि एक एक्टिविटी है जिसने 37 डेज चलना है तो वो एग्जैक्ट 37 में जाएगी, मे बी वो 36 हो सकता है, 38 भी, तो मे बी मैं कहूँ यार प्लस माइनस 1 जो है मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट्स है। बहरहाल ये सारी बातें हम जरूर अलग से, ये टूल्स एंड टेक्निक्स जब जब आएंगी हम उनको एक्सप्लेन पढ़ते रहेंगे, बट आपको ये चीज अंदाजा जरूर होना चाहिए कि राइट नाउ मैं इस वक्त डेटा गैदर कर रहा हूँ, मैं इस वक्त डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, या क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं और देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका जिक्र भी किया था, अफिनिटी डायग्राम्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स हैं, हायरार्किकल चार्ट्स हैं, मैट्रिक्स डायग्राम्स हैं, ठीक है, और आपने फ्लो चार्ट्स देखे होंगे लाजमी, कंट्रोल चार्ट्स हैं, हिस्टोग्राम का आपको लाजमी पता होगा, माइंड मैपिंग का कुछ ना कुछ शायद आइडिया हो, एंड सो ऑन। लेकिन ये सब को मैं एक एक दफ़ा जब जब जिस जिस प्रोसेस में जो जो टेक्निक यूज़ होगी वो हम ज़रूर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आप उसे याद भी रखेंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ये मैंने अभी थोड़ी देर में आपको थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में बताया कि मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस एक होता है और वोटिंग जो है वो दूसरा होता है, बट अगेन जब दोबारा आएगा तो फिर बदलाव होगा। कम्युनिकेशन कैसे है, फीडबैक है, प्रेजेंटेशंस हैं, ये दो हैं। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इस तरह की इन्फ्लुएंस करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो इसके पॉलिटिकल अवेयरनेस, लीडरशिप, नेटवर्किंग, मोटिवेशन, फैसिलिटेशन वगैरह वगैरह, ये सारे का सारा एक्टिव लिस्टिंग आप देखें, सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनको हम इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स का नाम देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, अब एस्टिमेटिंग किस तरह हो सकती है, एस्टिमेटिंग के बारे में एनालॉगस है, बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन है वगैरह वगैरह, ये एस्टिमेट कैसे करते हैं, ये टेक्निक्स भी आप यकीनन पढ़ेंगे, बट ऑल दीज टेक्निक्स आर रिलेटेड टू दिस एस्टिमेशन ऑफ आइदर कॉस्ट और मे बी ऑफ स्केड्यूल या मे बी ऑफ रिसोर्सेज। अब जो आपको PMIS नजर आ रहा है, ये वो इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने कहा था ना कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अबाउट 60+, वो है जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी ग्रुप या कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, दो तीन का मैंने अभी नाम भी लिया था जो मीटिंग्स थी या जो मैंने आपको कहा था, लेकिन PMIS मैंने आपको कल काफी डिटेल में इसके बारे में कुछ चीजें बताई थी कि PMIS एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। पहली बात आपने याद रखना है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइड इसका यूज हो रहा होता है। कैन यू टेल मी वो कौन सा एक ऐसा मशहूर फेमस सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड हम यूज करते हैं टू मैनेज आवर ऑपरेशंस एंड मैनेज आवर प्रोजेक्ट्स? जो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज होता है ये आपने जी ईमेल्स, ये एंटरप्राइज, हाँ ईमेल्स भी है, यस, बट वो इट्स पार्ट ऑफ समथिंग जो एंटरप्राइज वाइड आप यूज करते हैं। चले मैंने आपको एंटरप्राइज उसके नाम का भी से, ठीक है, अच्छा चलें, ये आपने अभी चेक कर दिया। ओ EEF तो सॉरी, वो तो उसका ये पार्ट होता है, ठीक है, बहरहाल अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप आगे आए, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड आपका ना एक सॉफ्टवेयर या सेटअप चल रहा होता है और वो पूरी की पूरी को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले तमाम प्रपोजल प्रोजेक्ट्स उनको एवेलुएट करता है, उनको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और आपको उसके मुताबिक ये मैनेजमेंट में मतलब आसानी पैदा करता है। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको हम PMIS कहते हैं। दो सॉफ्टवेयर आपने प्रोजेक्ट रिलेटेड सुने होंगे, एक का नाम MS प्रोजेक्ट है और एक का नाम है प्राइमावेरा। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो बड़े फेमस आप कहने के सॉफ्टवेयर हैं। अब इन सॉफ्टवेयर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में MS प्रोजेक्ट यूज होता है और मुझे प्राइमावेरा आता है, MS प्रोजेक्ट नहीं आता, व्हाट डू यू थिंक
मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे लाजमी किया हुआ है कि यस हमने पीएमओ ने जो सॉफ्टवेयर सबको प्रोवाइड किया हुआ है वो एमएस प्रोजेक्ट है। तो क्या आप ये चीज खुद से, आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आए हैं, तो आपका इस पे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है एंड कैन यू चेंज दिस थिंग? ऑब्वियसली नो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यार अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने लाजमी करार दिया हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट्स एमएस प्रोजेक्ट पे ही हम उनको वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे, तो फिर आपको एमएस प्रोजेक्ट ही यूज करना है एंड दिस इज अ कंस्ट्रेंट। इसलिए हम इसको ईएफ कहते हैं। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा लगाया इम्प्लीमेंट हुआ हुआ पड़ा हुआ है और आपको यही करना है, तो ऑब्वियसली अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो अपनी डायरी पे चीजें नोट करके मैनुअल कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे पे एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी। अब पीएमआईएस के अंदर क्या कुछ होता है, कुछ बातें मैंने कल डिस्कस की थी। पहली बात, स्केजुलिंग का कोई सॉफ्टवेयर होगा, जाहिर है मुझे अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को स्केजुल करना है, तो ये स्केजुलिंग करने के लिए कोई ऐसा पीएमआईएस का पार्ट, एक छोटा सा पार्ट ये ऐसा लाजमी होगा जो मुझे हेल्प करेगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी डेफिनेशन मैं आपको सारी डेफिनेशंस वन बाय वन बता रहा हूँ, इनको काइंडली याद रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड जहां पे भी आएगा आपने अपने माइंड में एक बात लाजमी याद रखनी है, वो ये कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट चीजें हो रही हैं। एक मतलब, या जब आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट माइंड में रखेंगे, जो कि हमने अजम्पशन शुरू में कहा था कि भाई अगर पीएमपी एग्जाम देना है तो बड़े प्रोजेक्ट्स माइंड में रखें तो बात ज्यादा समझ आती है। बड़ा प्रोजेक्ट मींस उस पे अबाउट 2000 के करीब या 1500 के करीब एक्टिविटीज हो रही हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज अगले 3 साल या 2 साल के ओवर पीरियड के ऊपर प्लान हुई हुई है। अच्छा, मेरे बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और मेरे प्रोजेक्ट प्लान के मेरे ख्याल में 20-25 कॉपीज डिफरेंट लोगों के पास पड़ी हुई है। अब हमारे पास चेंज आई कहीं से और वो जो चेंज आई है उस चेंज को, और वो अप्रूव हो गई है, अब उस चेंज को अप्रूव करने के नतीजे में आई वुड लाइक कि मेरे तमाम के तमाम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड तमाम के तमाम प्रोजेक्ट प्लान्स उनके अंदर वो चेंज अपडेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग किसी और प्लान पे काम कर रहे हो और कुछ लोग किसी और पे काम कर रहे हो। इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इट इंश्योर्स कि एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन द मोस्ट अपडेटेड एंड द सेम प्लान और सेम डॉक्यूमेंट। इज दिस क्लियर? हम ये कैसे करेंगे? आपने आप देखें कि बाज दफा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक चीज 10 डॉक्यूमेंट्स में किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखी होती है। लेट से मैं कहता हूँ द हायर बजट लिमिट इज दिस दिस दिस, वो है जी 1 मिलियन। अब ये किसी जगह चेंज हो गई, मैनेजमेंट ने कहा कि यार ये 1 मिलियन नहीं होगी, आइंदा 1.5 मिलियन होगी। अब ये को पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स में, चार्टर में भी कहीं ये जिक्र इसका होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी कहीं जिक्र होगा, बजट के अंदर भी कहीं जिक्र होगा, एस्टीमेट्स के अंदर भी इसका कहीं जिक्र होगा, और पता नहीं कितनी जगह इसका जिक्र आएगा। तो मैं कैसे ढूंढूंगा कॉपीज के अंदर से उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर के यार ये इसका जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है? तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट आती है या डॉक्यूमेंट, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने देखा होगा, आपकी नई पॉलिसी के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट में कुछ और लिखा होता है, आप प्रॉस्पेक्टस उठा के देखते हैं तो उसमें अभी पुरानी पॉलिसी चल रही होती है, या वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो अभी पुरानी पॉलिसी चल रही होती है। सो और वहाँ पे आपको समझ नहीं आती कि यार ये वाली चीज़ वैलिड है या ये वाली वैलिड है। सो इस तरह की हर जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्चुअल में एक सिस्टम होगा विच विल इंश्योर कि हमारी हर चीज़ मोस्ट रिसेंट हो, मोस्ट अपडेटेड हो और सबके पास एक ही तरह की कॉपी हो। सर एक चीज है, ये जो चेंजिंग है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा होता है या इसके अथॉरिटी जो है वो पीएमओ लेता है, मतलब उसकी जिम्मेदारी होती है ये सारा? देखें, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना इसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। वो जो चेंजेस का अप्रूवल है ना, वो है चेंज कंट्रोल सिस्टम कि यार एब्रप्टली अपने तई कोई खुद से काम ना शुरू कर दे, वो और बात है। ठीक है, वो ये है कि मेरे पास लेट से 4 दिन में काम होना, तो कहता है सर वो मैंने सोचा मैं 5 दिन में कर लूंगा खुद से ही। ऐसी चेंजेस नहीं हो सकती।
चेंज अगर कोई चाहिए तो आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये है चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अब वो चेंज सब डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो और हर जगह आपको एक ही तरह का प्लान मिल रहा हो, इसको हम कहते हैं कॉन्फिगर करना, कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट करना। अच्छा, नेक्स्ट है वर्क ऑथराइजेशन सॉफ्टवेयर। वर्क ऑथराइजेशन सॉफ्टवेयर जनरली आपने देखा होगा, ये अगर आप इस तरह के आपके ऑफिस के अंदर जो इंट्रा ऑफिस इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज है वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं, आपको जॉब एप्लीकेशन फिल जॉब एप्लीकेशन कह रहा हूँ लीव एप्लीकेशन फिल करनी है, तो आप उसमें एंटर करते हो अपनी वो सारा और वो सबमिट कर देते हो। नेक्स्ट जो भी आपका बॉस है वो उसको रिकमेंड करना चाहे और अपने रिमार्क्स छोड़ देता है और वो सबमिट कर देता है और फिर जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको अप्रूव कर देता है। बिल्कुल इसी तरह वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि PMIS का ही सब पार्ट है, जिसके अंदर वो अलाउ करता है कि भाई आप अब ये एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने आपको कहा 1500 के करीब एक्टिविटीज़ हैं, हमने बड़ा प्रोजेक्ट माइंड में रखना है, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, कुछ कराची में हो रही हैं, कुछ हब पे या क्वेटा के पास कहीं हो रही हैं, एक यूनिट हमारा दुबई में बैठा हुआ है एंड सो ऑन, प्रोजेक्ट टीम मेम्बर्स स्कैटर्ड है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट मैनेजर से जाके वो जाके इलेक्ट्रिशियन आए और उसने तारें पकड़ी हुई हाथ में और वो उसे कटर इलेक्ट्रिक कटर वो पकड़ा हुआ हाथ में, सर वो मैं अपना काम वायरिंग का शुरू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो वुड वर्क वाला लेके आ गया हुआ है अपने हाथ में आ रही है पकड़ के सर मैं ये काम शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े प्रोजेक्ट को जब आप मैनेज करते हो तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो ये ऑथराइज करता है कि नाउ यू कैन स्टार्ट दिस वर्क। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम और ये जनरली पार्ट होता है PMIS का। उसके बाद टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम देते हैं, आप अपने कार्ड्स को स्वाइप करके उसमें ऑफिस में एंटर होते हो और फिर वापस निकलते हो तो आपका वो जो वर्क आवर्स का टाइम है वो काउंट हो जाता है। दैट इज अ टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, फिर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर हो जिसमें आपकी इन्वेंट्री लाइक मैंने कुछ चीज़ें मटीरियल मंगवाया हुआ है, 2 साल का मेरा प्रोजेक्ट है और हर कुछ हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मुझे सामान चाहिए, तो वो कौन सा टाइम होगा जब एक खास लेवल इन्वेंट्री का कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे नई रिक्विजिशन भेजनी होती है कि भाई वो सामान भिजवा दो, ठीक है हमारा ख़त्म होने वाला है, सो दैट बाय द टाइम ये ख़त्म हो हमारा नेक्स्ट वो चीज़ें आ जाए। और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड इस तरह की जितनी चीज़ें वो सारे का सारा हम उसको ऑटोमेटेड वे में कंट्रोल करते हैं, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द PMIS। अब एक चीज़ याद रखिए, ये सारे सिस्टम मैनुअल भी हो सकते हैं। पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये है कि अगर ये ऑटोमेटेड है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये PMIS का पार्ट होगा या फिर वो मैनुअल होंगे, बट ये सिस्टम होगा ज़रूर। एक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ स्केजुलिंग हो रही होगी, एक प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्फिगरेशन हो रही होगी, वहाँ पे वर्क ऑथराइजेशन का कोई निज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, सो ये चीज़ें होती ज़रूर है। हम ये इस वक्त पढ़ रहे हैं कि अगर वो ऑटोमेटेड है तो मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड बी द पार्ट ऑफ PMIS और इसलिए हम ये EF कहेंगे। आगे है रिपोजिटरीज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हमने कल बड़ी डिटेल में बात की थी। और इसी तरह शेयर्ड वर्क स्पेस फॉर फाइल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखेंगे मैंने गूगल ड्राइव पे एक काम शुरू किया हुआ है, तो ये जो गूगल ड्राइव पे मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ दैट इज अ शेयर्ड स्पेस, लेट्स से फॉर दैट मैटर अगर आप में से भी किसी को चीज़ का तो मेरे से आप राइट्स लेके उस पर शेयर कर दोगे ना, या बाज़ दफ़ा वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर आप लिख देते हो कि जी नेक्स्ट 3 डेज ये छुट्टियाँ होंगी, ईद की छुट्टियाँ होंगी, या कोई तो इस तरह कोरोना आया था कोरोना से रिलेटेड सबको एक ही जगह पब्लिश कर दिया। इसका जो मैनुअल सिस्टम है वो क्या होता है, वो जो ग्रीन कलर के नोटिस बोर्ड्स होते हैं अगर एक ही जगह लोग काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ें मिला के PMIS बनता है। ठीक है, PMIS आइंदा जब आए तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यार इट्स समथिंग। मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से एक्सेल जो है ना वो इसका पार्ट होता है क्योंकि उसके ऊपर वो इट हेल्प्स मी, वो जो हम एस्टिमेशन करते हैं तो वो उसके अंदर कुछ बेसिक फार्मूला जो है वो एम्बेडेड होते हैं, तो मैं अपनी एक्सेल शीट्स बना लेता हूँ ताकि जब भी वो जो कॉस्ट या एस्टिमेट्स रिवाइज करनी हो तो मैं सिर्फ एक कुछ चीज़ें एंट्रीज चेंज करूँ और बाकी चीज़ें वो मुझे खुद ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दैट मेक्स माई लाइफ ईजियर, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो भी PMIS का पार्ट हो सकते हैं। ओके जी, उसके बाद सर एक क्वेश्चन है, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ कि
PMIS is a software या PMIS के अंदर जो दो software हैं Primavera और MS Project उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं नहीं PMIS generally organization wide एक management information system होता है ठीक है generally आप जो management sciences के students हैं ना वो management information system के बारे में they are familiar with it ये आप यूँ समझें कि बजाय इसके कि मैं सिंपलेस्ट वे में अगर समझाऊँ ना तो ये है कि बजाय इसके कि हर कोई एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर पे काम करने की बजाय एक ऐसा सिस्टम हो ऑटोमेटेड सिस्टम हो जो डिफरेंट छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स को या छोटे मोटी चीज़ों को कंबाइंड कर दे और एक इंटीग्रेटेड फैशन में मसलन पे रोल्स हैं इनकम टैक्स काटना है अकाउंट्स में पैसे जाने हैं ये इनपुट कहाँ से लेगा पे रोल ये आपके जो वेजेस वाले स्पेशली लोग हैं और या उनकी कोई कटौतियाँ होनी है आपने कोई लीव विदाउट पे तो नहीं ली हुई आप किसी जगह ऑफिस की टाइमिंग्स लेट तो नहीं थी एंड सो ऑन तो इसका मतलब आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड और इस तरह की कुछ चीज़ें वो आपको मे बी वर्क वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला सिस्टम है उससे मिल रही होंगी एंड सो ऑन ठीक है ये आपका वो जो बाकी जितने सॉफ्टवेयर हैं वो भी इस तरह आपस में इंटरलिंक्ड है लेकिन ये कंबाइंड अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये इसको मैं नाम दे सकता हूँ तो सर इसकी टाइप जो है वो प्राइमावेरा और एमएस नहीं नहीं वो सिर्फ दो प्योरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं उनका बहुत लिमिटेड इसके अंदर ओके 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 मैं समझ गया हां वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है लाजमी नहीं है कि यही दो हों ठीक है लाजमी नहीं है ये दो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए इसलिए दिया था कि most of the time people are familiar with this ms ki jo toolkit hai usse sare hi rahe excel ki main baat karta hu sabko pata hai powerpoint ya word ki baat karta hu but lazmi to nahi hai mere paas text likhne ke liye ms word hi ho koi aur bhi text wala document wo sorry software ho sakta hai theek ho gaya sir aap keh rahe hain ki cluster of softwares jo project mein use hote hain unko combine karke pmis assembly banaya sirf software nahi information data record everything अगला है मेरे पास एक्सपर्ट जजमेंट बेसिकली हर ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में यूज होगी लेकिन वो जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट जजमेंट होगी मसलन अगर मैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ तो कुछ लोग होंगे जिनको जो अपनी जजमेंट को यूज़ करते हुए ये बताएंगे मे बी वो आप हो मैं हूँ कोई भी हो सकता है जो अपनी जजमेंट को यूज़ करते हुए बताएगा कि यार ये रिस्क अकर कर सकता है मैं अपनी जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसको यूज़ कर सकता हूँ जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं SMEs जिनको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उनको बुला सकता हूँ मैं कंसल्टेंट्स को हायर कर सकता हूँ मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता हो कि यार फलां बंदे को फलां चीज़ आती है तो वो उससे मैं ओपिनियन ले सकता हूँ मसलन एस्टिमेट मुझे लेने हैं मुझे प्रोक्योरमेंट का कोई एक्सपर्ट है वो उस पर जजमेंट देगा कि भाई इतने इतने में आपकी चीज़ बन जाएगी वगैरह वगैरह सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस हम उससे रिलेटेड एक्सपर्ट जजमेंट या तो आपके पास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर खुद होगी या फिर आपके नीचे कोई एक्सपर्ट्स काम कर रहे होंगे या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किसी जगह से एक्सपर्ट जजमेंट मिल जाएगी या आपको मे बी एक ईमेल भेज दें किसी कंसल्टेंट को और वो आपको कुछ बता देगा किसी ब्रोशर से मिल जाएगी किसी वेबसाइट से मिल सकती है कहीं ना कहीं से आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा और हम उस एक्सपर्ट ओपिनियन को कहते हैं कि वी आर यूजिंग आवर एक्सपर्ट जजमेंट ठीक है वो फॉर्मली हम किसी एक्सपर्ट को कॉल भी कर सकते हैं उसको कंसल्ट भी कर सकते हैं और इनफॉर्मली भी आप उससे ये जजमेंट ले सकते हो स्पेशली एक्सपर्ट जजमेंट ना प्लानिंग के अंदर तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगी अच्छा लेकिन आप समझें कि हर काम कर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी करना है तो यार ये एक्सपर्ट जजमेंट ही आप अपनी बेस्ट जजमेंट यूज करेंगे कि क्या अब वो टाइम आ गया है कि मुझे सारे के सारे एस्टिमेट रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है तो मे बी एक बिगिनर लेवल का जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी इतनी जजमेंट अच्छी ना हो और वो शायद रिवाइज ना करे और वो उस चीज़ को कैजुअल ले लेकिन एक ऐसा जिस प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको पहले एक धचका लग चुका हो ऐसा वो मे बी बड़ा टाइमली इसको एक्शन करेगा सो एनीवेज नेक्स्ट है मीटिंग्स आर ऑफन यूज्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस अब मीटिंग्स के बारे में मैंने आपको जैसे कहा कि मीटिंग्स जो है ना वो जगह जगह ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में हो रही है मीटिंग्स एंड
जो है मेरे पास एक्सपर्ट जजमेंट, ये ऑलमोस्ट हर प्रोसेस का हिस्सा होती है। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने किसी को इंटरव्यू किया, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने डिसीजन मेकिंग की, अब वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मीटिंग की शक्ल में हो रही होती है। एक तो मीटिंग्स का ये बात है आपने माइंड में रखनी है, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि मीटिंग्स को ना हम डिटेल में रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मीटिंग्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें याद रखें। वो क्या कि मीटिंग हमेशा स्कैजुअल होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हम जो गंदी यानी कि बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, हम मीटिंग्स का टाइम अपने एस्टीमेट्स के अंदर शामिल ही नहीं करते। हम क्या करते हैं कि अच्छा यार इस चीज को इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा, इस काम को इतना, इस काम को, कभी हम ये नहीं कहेंगे कि यार मीटिंग के ऊपर इतने अखराजात आएंगे, मीटिंग के ऊपर जो है ना इतना करेंगे, मीटिंग कब कब होगी, इस मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, वगैरह वगैरह। आपने प्लान्ड वे में ये देखना है कि मीटिंग्स कब कब होंगी, इसके पार्टिसिपेंट्स क्या क्या होंगे, इवन कौन किस जगह बैठेगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन नोट करेगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, कौन किसको असिस्ट करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मीटिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ ना दीवार बनने पे कितना टाइम लगेगा, अगर मैंने अपने एस्टीमेट ये शामिल किया हुआ है और इसका खर्चा और इसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज शामिल किए हैं, बिल्कुल उसी तरह मुझे अपनी मीटिंग को भी एक एक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी के तौर पर लेना चाहिए। मीटिंग के बारे में एक और बात, उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग भी होता है, मीटिंग्स का एजेंडा भी होता है, वगैरह वगैरह, ये सब हम रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे। लेकिन मीटिंग्स को ओवर यूज नहीं करना चाहिए। समटाइम्स पीपल ओवर यूज मीटिंग्स, और ये कुछ बॉसेस की नेचर होती है, वो सुबह सुबह हर रोज ही बुला लेते हैं, घंटा जो है ना वो उसमें बहस मुबहसे में गुजारते हैं हमेशा। अच्छा, और स्पेशली जब मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, तो मीटिंग आसान चीज नहीं है। कराची वाले बंदे फ्लाइट बुक करके आएंगे, पैसा लगाएंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे, वापस जाएंगे, दुबई वाले साहब आएंगे, कोयटा से मोहतरमा आएंगी, एंड सो ऑन। तो ये मीटिंग्स को आसान काम नहीं है, अपना काम छोड़ के आएंगे। सो आपने अननेसेसरीली मीटिंग्स कॉल नहीं करनी है। आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये असेस करना है कि क्या इस मीटिंग की जरूरत है या नहीं है, नंबर वन। अगर जरूरत है तो किन लोगों को बुलाना जरूरी है, फिर आप उनको बुला के फिर साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि आप ये मीटिंग्स वो प्रोडक्टिव हो। मीटिंग्स के बारे में दो तीन मीटिंग्स हमारी बड़ी कॉमनली यूज्ड होती हैं। एक तो है स्टेटस रिव्यू मीटिंग। स्टेटस रिव्यू मीटिंग आप ये याद रखिए, एक या स्टेटस मीटिंग अगर मैं कह लूं, और दूसरा है प्रोजेक्ट टीम की मीटिंग्स होती है। जो स्टेटस रिव्यू मीटिंग है ना, ये जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर स्पॉन्सर को दे रहा होता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर एंड स्पॉन्सर मिल के टॉप मैनेजमेंट को अपने प्रोजेक्ट की का स्टेटस बता रहे होते हैं। मोटी मोटी बातें आप उसमें बताते हो कि ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है, मैनेजमेंट के पास ना इतना टाइम होता है, वो आपको कहता है यार ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम एरिया तो हाईलाइट करो, बाकी मुझे पता छोड़ दो। अच्छा, जो टीम मीटिंग्स है ना, टीम मीटिंग्स के अंदर आप, इट इज अ बैड प्रैक्टिस के आप प्रोग्रेस जो है वो डिस्कस करो। इट्स वेरी बैड प्रैक्टिस। आपको टीम का जो काम है, अगर आप टीम मीटिंग्स में बुला के प्रोग्रेस डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो इट्स ओवर डूइंग, आप अपनी टीम का टाइम वेस्ट करेंगे। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए आप कोई और मेथड यूज कर लें, और वो मेथड क्या है, आप टीम को ना अपनी वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो जिस बंदे को जिस जिस को जितनी जितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए आप वो पहले शेयर कर दिया करें, बस दैट्स इट, दैट शुड बी इनफ। टीम मीटिंग्स के अंदर आपने अगर ये काम करना शुरू कर दिया, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, तो आप अपन टाइम वेस्ट करेंगे। तो फिर टीम मीटिंग्स में क्या किस डिस्कस होना चाहिए, दो मेजर चीजें। एक, इश्यूज क्या है, और दूसरा रिस्क क्या है, सॉरी ये इश्यूज है और रिस्क क्या है, ठीक है। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं टीम मीटिंग्स के। बजाय इसके कि हम वो बातें बार बार करें, सर इतना हो गया, आपस में ही बैठे हुए हैं, वही टीम काम कर रही है, अननेसेसरीली एक दूसरे को वो बातें बताने के, हम ये बताएं कि इस वक्त बॉटलनेक्स कहाँ पे हैं, इस वक्त हम कहाँ फंसे हुए हैं, और उसको हम हल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। और या फिर आप फ्यूचर में कि यार ये नेक्स्ट मंथ एक चीज स्टार्ट हो रही है और आई कैन फोर्सी कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो जो फोर्सी वाली बात है,
कल हमने रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दे मे और दे मे नॉट अकर, तो उनको हम कह रहे हैं रिस्क। लेकिन जब रिस्क अकर कर जाए, चाहे आपने एंटिसिपेट किए थे या आपने एंटिसिपेट नहीं किए थे, तो वो इश्यू बन के आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो रिस्क एंड इश्यूज, वो रिस्क जो अकर कर गए हैं, वो प्रॉब्लम्स जो आपके इस वक्त करंटली आपके टीम मेंबर्स फेस कर रहे हैं, ताकि आप सब इकट्ठे बैठे हैं और मिल के, प्रोजेक्ट मैनेजर भी इधर है, तो मिल के आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल लें। और फिर इसी तरह आप वॉर्न कर दें लोगों को और कोई प्रोएक्टिव एक्शंस ले लें, कोई प्रिवेंटिव एक्शंस ले लें कि हमें ये रिस्क नेक्स्ट उसमें आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये प्रॉब्लम्स हमें ना आए, तो लेट्स डू इट दिस वे। तो ये आपकी टीम मीटिंग्स का मेजर एजेंडा होना चाहिए। सो अगर मैं अब आपको ये कहूँ कि टीम मीटिंग्स जो है वो बाज दफा ओवर डूइंग हो जाती है, आपने ओवर डूइंग नहीं करनी है, स्पेशली जहाँ पे मीटिंग्स चाहिए हो, स्पेसिफिकली वो चीज़ें प्लान होनी चाहिए और इसको आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी के तौर पे इंक्लूड करना है अपने प्लान में। लिखा होना चाहिए कि इस मीटिंग में ये लोग बैठेंगे, इतने फ्रीक्वेंटली होंगी, इतना। हाँ, स्पेशल मीटिंग्स हैं तो ज़ाहिर है वो तो और बात है, लेकिन उनको भी आपने फिर अपने चेंज प्लान के थ्रू कहीं ना कहीं उसको कैटर फॉर करना है। अच्छा, अब ये जो टूल्स हैं, जी सर, एक चीज है कि मतलब प्लान, मीटिंग्स प्लान जो आप कह रहे हैं कि बिफोर हैंड करनी चाहिए पूरे प्रोजेक्ट की, वो इस तरह होता है कि हम हर वीक एक वीकडे पे ये मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे और उसमें डेट्स भी मतलब मेंशन हो कि 2 साल के प्रोजेक्ट पे हम ये मीटिंग्स इतनी करेंगे इस टाइम पे। एग्जैक्टली, सर, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है उस दिन पे शायद हो ना मीटिंग्स या कुछ और हो जाए, हम उस पे करते हैं बात। ठीक है, यही वो बात है कि जो हम बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, हमें ये लगता है वी आर ओवरडूइंग। कभी आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इनके साथ आपने यूएसए वगैरह अमेरिकन के साथ स्पेशली करना बैठे ना, या ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो आपको बताएंगे कि भाई पहले प्लान लाए, प्लान कहाँ है। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस होमवर्क, लॉट ऑफ टाइम, वो डॉक्यूमेंट सारे बन जाते हैं ना। तो अभी अभी आपका कोर्स का स्टार्ट है, आप यू फील योर सेल्फ कि यार बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम क्या कुछ करते हैं। मैं आपको बताऊँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं ना, जो पहला काम आप करते हैं वो क्या होगा? अब मुझे 2 साल का प्रोजेक्ट करना है, तो मैं आज से ये देखूंगा कि भाई अगले 2 साल की छुट्टियां कब कब है, मैं अपने वर्किंग डे से उनको निकाल दूंगा। आप सोचें कि आपके पास ऑलमोस्ट 55 संडेज, 55 सैटरडेज ये निकल गए, फिर आप गजेटेड हॉलीडेज, ईद की छुट्टियां, ईद मिलादुन नबी की छुट्टियां, मुहर्रम की छुट्टी, रमजान वगैरह वगैरह, रमजान के टाइमिंग्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, ये सारे का सारा अपना कैलेंडर सेट कर लोगे। ये पहला काम आप में भी ये करो। जब आप ये कर लेते हो तो आप सोचो ना कि आपने 2 साल का जो एस्टिमेट लगाया हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 300 डेज या 250 डेज वो तो शामिल ही नहीं हो रहे हमारे प्लान्स में ही फ्लॉ। हम माइन्यूट डिटेल्स में जाते ही नहीं है और इसी वजह से कोई प्रोजेक्ट, आप कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें जो आप कहते हो कि टाइम पे हो गया। ठीक है, अगर वो टाइम पर हुआ है तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड वे में हुआ होगा। एक्चुअल तरीका प्रोजेक्ट को प्लान करने का ये है कि आपने जिस हद तक मुमकिन है डिटेल्स आप उसमें शामिल कर सकते हो आप करोगे। एक बात, इसके बाद कुछ बातें जो आपका कंसर्न है वो ये है, उनको ना हम एक और कैटेगरी में डील करते हैं, वो जब मैं रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ाऊंगा ना आपको तब समझ आएगी कि यार ये क्या कहानी है। रिस्क एक अनसर्टेनिटी का नाम है। कल हमने पढ़ा था रिस्क मे अकर और इट मे नॉट अकर, यही बात थी ना। तो हम ये अपनी इस अनसर्टेनिटी को कैटर फॉर करते हैं इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान और वो फिर हमारे टोटल एस्टिमेट के अंदर आ जाती है। लेकिन बिल्कुल इस चीज को छोड़ देना कि हम कुछ नहीं कर रहे, यार ये कहाँ हो सकता है, यार 2 साल का तो आगे कल का पता नहीं है, तो वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक वे में प्रोजेक्ट को मैनेज करने का नाम है और वो सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग भी मांगती है और फिर सिस्टमैटिक वे में एग्जीक्यूटिंग भी मांगती है। अच्छा जी, सो मैं इस बात पे बार बार एम्फेसाइज करता रहूंगा। मैंने आपको कल भी कहा था, ये पिछले किसी लेक्चर में कहा था कि आप कोई बात कहेंगे कि सर ये ऐसा होना चाहिए और मैं आपको कहूंगा कि यार दैट्स अ बैड प्रैक्टिस, यू मस्ट नॉट डू इट। सो ये आपने नॉलेज गैप के तौर पर अपने माइंड में रखना है, यार ऐसा कैसे मुमकिन है। और इसके बारे में जब भी आपको शक हो तो आपने मेरी वो वाली एग्जांपल याद रखनी है कि अगर मैं अपने प्लानिंग के ये 30 दिन को शॉर्ट करके 10 दिन पे ले आऊंगा तो मैं 20 दिन तो बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले मैं अपना प्रोजेक्ट 6 महीने लेट कर दूंगा क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में प्लान नहीं किया। ये प्लानिंग ज्यादा टाइम मांगती है। क्लियर? अच्छा जी, अब
हम आते हैं, ये था, दैट वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स, और कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें समझाने थे जो आगे बार बार आएंगे. अब आखिरी एक कॉन्सेप्ट रह गया है बिफोर वी एंटर इनटू प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो है प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट लोग, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. इन रोल्स को समझना बहुत ही जरूरी है. और आपकी अगर अभी तक देखे ना, काफी सारी क्यूरीज ये रोल से रिलेटेड ही थी. सर वो फला चीज कौन अप्रूव करेगा, सर चेंज कंट्रोल बोर्ड में क्या कौन बैठेगा, सर क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजर कर लेगा या नहीं करेगा, सर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या सब कुछ आना चाहिए या टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए नीचे ये काम उसके टीम मेंबर्स का है, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या रोल होगा वगैरह वगैरह, कस्टमर क्या बुलाया, कस्टमर का क्या रोल होगा. इन रोल्स को समझना बहुत जरूरी है. अच्छा, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो कुछ नहीं, एक्चुअल में आपकी जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है वो तो ड्यूरिंग द कोर्स आपको बार बार छोटी मोटी चीजें जब मैं ऐड करता जाऊंगा, जैसे अभी मैंने कल थोड़ा सा स्पॉन्सर का बता दिया, थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का बता दिया, इस तरह मैं इसमें चीजें ऐड ऑन करता जाऊंगा. लेकिन अभी आई वॉन्ट कि मैं आपको ना कुछ रोल्स के बारे में जिक्र करूंगा, उन मेजर रोल्स के बारे में आपने इस वीकेंड पे खुद से जरूर पढ़ना है. मैं आपको वो पेज नंबर वगैरह बता दूंगा बुक का, आपने एक दफा उसको गो थ्रू जरूर कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि जितनी उसकी डेप्थ में समझ आ सके करें. मैं आपको उनको पढ़ाऊंगा जरूर. मेजर रोल्स जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपके सामने ये जो 6 स्टेक होल्डर्स लिखे हुए इनका है. पहली बात अगर मैं कहूं किस, अच्छा ये जो हाईलाइट हुए हैं वो ऑटो पे है, जो स्पॉन्सर है और इनिशिएटर है, इसका प्रोजेक्ट के ऊपर क्या रोल है, तो इसके लिए आपको जरूरी है ये समझना कि स्पॉन्सर या इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट कौन होता है नंबर वन, और इसके क्या क्या काम है. इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा एक प्रीएम्बल बांधा था मैंने, और आज हम इसको डिटेल में देखेंगे. उसके बाद प्रोजेक्ट टीम ये क्या करती है, इसका क्या रोल है, मैं अभी स्टेक होल्डर्स को छोड़ रहा हूँ. प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, फंक्शनल मैनेजर और रिसोर्स मैनेजर का क्या काम है, और पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम मैनेजर का क्या काम है, और स्टेक होल्डर एनीबॉडी अदर देन दिस. वैसे तो ये सारे भी स्टेक होल्डर्स ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो जनरली स्टेक होल्डर्स होते हैं उससे हमारी क्या मुराद है और उनका क्या काम है, ये रोल्स हम पढ़ेंगे. अगर मैं आपको ना ये सारे के सारे रोल्स एक ही सिटिंग में आज ही पढ़ा दूं या लेट्स से कल पढ़ा दूं, तो आप के दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, ठीक है, और एक्चुअली इट विल रिजल्ट इन अ वेरी बोरिंग लेक्चर. तो मैं जनरली करता ये हूँ कि पहली बात, अगर तो आप, आई वुड अप्रिशिएट कि आपको मैं आज स्पॉन्सर और पोर्टफोलियो वाला थोड़ा सा बता दूंगा, और उसके बाद आपने वीकेंड पे खुद पढ़ लेना है. फिर मैं हर लेक्चर में कोई एक आधा इसमें से पिक करूंगा, लाइक लेक्चर के स्टार्ट में सिर्फ प्रोजेक्ट टीम बता दूंगा, नेक्स्ट डे मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का बता दूंगा, नेक्स्ट डे फंक्शनल मैनेजर का, एंड सो ऑन, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर सको. अभी आप देखो, सिर्फ मैं जब इनिशिएटर का और इन दो का भी बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इट्स लॉट ऑफ डिटेल, और अभी आप उस डिटेल को एकदम से सबको इकट्ठा पढ़ना वो जरा मतलब फ्रूटफुल नहीं रहेगा. सो मैं आज सिर्फ आपको स्पॉन्सर, इनिशिएटर और पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम मैनेजर का जिक्र करूंगा. बाकी मैं, हम अगर टाइम हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे उस पे लेसन कोर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर भी टाइम हुआ, वैसे मुश्किल ही है, तो हम आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें समझना चाहेंगे अगर टाइम हुआ. अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या इनिशिएटर. आसान अल्फाज में तो स्पॉन्सर वो है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, आसान अल्फाज में तो है. लेकिन ये सिर्फ ये नहीं होता, मैंने आपको कल इसकी एक एग्जांपल बताई थी कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा है, किसी ने वो प्रोजेक्ट कंसीव किया और अब वो प्रोजेक्ट ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट एक फॉर्मल प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरेगा, आपको मैंने बताया कि अब आपने माइंड में रखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, गोल सब डिफाइन है, और उनको सामने रखते हुए मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट होगा. जब वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा तो उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट हो जाएगा. अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट का कितना हिस्सा खुद कर सकता हूँ और कितना बाहर से करवाना है मुझे. हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से सारे काम कर ले, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैपेसिटी के अंदर और सब कुछ, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
ये काम कर लेगा। जनरली ये तब होता है जब प्रोजेक्ट छोटे साइज का हो या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। अच्छा, अब इस केस में यहाँ पे एक स्पॉन्सर, कोई डिपार्टमेंटल हेड, कोई सीईओ, कोई रीजनल हेड होगा जिसने इस प्रोजेक्ट मैनेजर को नॉमिनेट किया या टास्क असाइन किया है कि आपने प्रोजेक्ट करना है। तो वो जो शख्स है, जाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजर को तमाम इंस्ट्रक्शंस उससे मिलेंगी। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को कन्फ्यूजन है कि सर ये भी करना है, वो भी यही बताएगा। सर मुझे ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो भी यही बताएगा। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को लगता है कि जिस तरह इसने गिवन बजट और गिवन टाइम में मुझे कहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, वो नहीं हो सकता, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसी को जाकर बताएगा कि सर इसमें नहीं हो सकता। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो रिपोर्टिंग बॉस है वो ये स्पॉन्सर बन जाता है। लेकिन अगर ये डिसाइड ये होता है कि भाई ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा तो खुद करेगा और इतना हिस्सा आउटसोर्स करेगा, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर इसके जाहिर है हर नॉलेज एरिया में ये काम करता है। आपको याद होगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है और हमने अज्यूम करना है कि वो पीएमआई के मेथड से कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एक नॉलेज एरिया होगा प्रोक्योरमेंट का, वो जो आपने देखा होगा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का। उस प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में वो ये करेगा कि इसके लिए आउटसोर्स करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई वेंडर, कोई सप्लायर उसको कॉन्टेक्ट करेगा और वो एक खास बिडिंग के मेथड के तहत बहरहाल ये प्रोजेक्ट इसको मिलेगा। अब जब ये वाला हिस्सा, चाहे वो इस प्रोजेक्ट का सब पार्ट है या ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है वो आउटलेट उसने आगे आउटसोर्स किया है, दोनों सूरतों में अब इस जगह पे इस ऑर्गेनाइजेशन को जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो कोई बंदा होगा, कोई अथॉरिटी होगी, कोई खातून होगी, कोई पावर होगी जो यहाँ पे भी अपनी और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को वो प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट करेगा और उसे ये टास्क असाइन करेगा। अब यहाँ पे ये साहब स्पॉन्सर हैं या ये मोहतरमा स्पॉन्सर हैं और ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो वो स्पॉन्सर से बात करेगा और स्पॉन्सर ऑब्वियसली इधर से पूछ के बताएगा या फिर वो उसे कहेगा कि यार आपने डायरेक्ट इससे कॉन्टेक्ट कर लेना, ये आपका कस्टमर है और ये आपका स्पॉन्सर है। बाज दफ़ा बाज केसेस में मैंने आपको बताया डायरेक्ट अगर मैं जैसे एक बिल्डर हूँ और छोटे लेवल का बिल्डर हूँ तो मेरे केस में मैं ही प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हूँ और ये जो कस्टमर है यही मुझे रिसोर्सेज दे रहा है, यही मुझे सारी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, तो इस केस में ये कस्टमर ही मेरा स्पॉन्सर बन जाएगा। ठीक है, सो स्पॉन्सर के ब्रॉडर मीनिंग है, सिर्फ ये नहीं कि जो पैसा देता है बल्कि वो काम है किसका, किसको मैंने बताना है कि ठीक हुआ है गलत हुआ है, कौन ये जज करेगा कि आपने काम ठीक किया या गलत किया, तो ये है स्पॉन्सर। तो मैं इसकी जो ये जो आखिरी लाइन है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि प्रोक्योरमेंट सिचुएशंस के अंदर जो कस्टमर होता है यानी कि जो चीज को बाय कर रहा है, जैसे अभी हमने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये है और अपना कुछ हिस्सा वो बाय से बनवा के इससे बाय करेगी, तो ये बायर है और ये सेलर है। तो ये जो बायर है इसका अपना स्पॉन्सर है, बट ये जो सेलर है इसका भी अपना एक स्पॉन्सर है, इसका भी अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और इसका अपना प्रोजेक्ट चार्टर होगा, इसका अपना प्रोजेक्ट चार्टर होगा। ठीक है, ये बात हमने कल बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। स्पॉन्सर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट को वो बचा के रखता है बाहर से। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम यह है कि वो